अब जब मैं शो के लिए घर से निकला, गाड़ी चला रहा था, तो मैंने देखा, महसूस किया कि मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी करती हुई भाग रही है। गाड़ी मेरे पीछे पीछे भाग रही है। पहले मैं डरा, मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई लूटने तो नहीं आ रहा। मैंने सोचा गाड़ी और भगाता हूँ। मैं कहा नहीं भाई, हो सकता कोई और हो, मैं ही खतरे में हाथ डालूं। गाड़ी आई, उसने मुझे ओवरटेक किया, मेरे सामने गाड़ी लगाई और मुझे कहा रुको। मैं रुको, मैं गाड़ी से बाहर निकला। मैं कहा भाई क्या हुआ, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? कहता है मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवाओ। मैं कहा ओके भाई, खिंचवा लेते। मैंने तस्वीर खिंचवाई, मैं जाने लगा तो भाई ने मेरा पीछे से हाथ पकड़ लिया और म्यूजिक चला। मैंने मुड़ के देखा, उनको देखा, आगे पीछे देखा और हाथ छुड़वाया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता है इमरान भाई, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। नाइस नाइस, अच्छे अदाकारों की हमारे मुल्क में जरूरत है, क्यों नहीं? आप भी एक्टर बने, मुझे अपना नंबर दें, जब भी कहीं ऑडिशन होंगे मैं आपको बुलाऊंगा, ऑडिशन दीजिएगा। अगर आप इस काबिल हुए, आप में अच्छा टैलेंट हुआ, तो क्यों नहीं? पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री को तो अच्छे एक्टर्स की जरूरत है या नहीं, बताइए। उन्हें मैंने गल में फाड़ लिया। इमरान भाई मुझे नहीं पता, मुझे एक्टिंग का बड़ा ही शौक है। इमरान भाई मुझे बड़ा ही शौक है, मुझे बड़ा ही शौक नाला, मैंने थल्ले मैं खिंचू। मैं अच्छा शौक है, मैंने कॉलर तो छाड़ी यार। मैं वापस सीधा खड़ा हुआ। मैं कहा यार अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक है, मैं आपको एक बहुत बड़े एक्टर का वाकया सुनाता हूं। एक बहुत बड़े एक्टर थे, अपनी फैमिली के साथ मरी गए, गाड़ी चढ़ाई से उतराई की जानिब, रमा दमा थी आयशा, एक हादसा हो गया, दो गाड़ियां टकरा गई आपस में। जानते हैं क्या हुआ? किसी को एक खराश भी नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी। पूछे क्यों? क्योंकि मुनासिब रफ्तार में गाड़ी चल रही थी, जितनी जरूरत थी। आहिस्ता, उनके लिए तालियां। वो जो एक्टर बनना चाहते हैं भाई, कहते भाई यदि मैं कितने एक्टर बन रहे हैं। मैं कहा मेरी जान, इस वाकये का एक्टिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जितनी तेज गाड़ी चला के आए हो, गाड़ी आहिस्ता चलाया करें जनाब। और अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। स्ट्रगल का मतलब हरगिज काम ढूंढना नहीं होता, काम सीखना होता है। मजाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की इस पूरी खूबसूरत टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। अरे ओ शेरा, मेरे इस दोस्त को प्यार मोहब्बत इज्जत और एहतराम से ले जाया जाए। भाजी लड़ियो ना किसी ना। ये बात। अरे 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 परे इस रंग ते मैं सदके थीमा, मैं सदके थीमा। सरदार साहब, वाह वाह वाह, पिंडों 20 रुपए की कुल्फी लईए ना, एहो जा कोट नाल फ्री दिंदे ने। और 20 रुपए की कुल्फी विच एहो जा तीला मुफ्त मिलदा है। और एहो जे बंदे नु ढिल्ली जी कुल्फी मिलदी जिहड़ी उत्तों डिग पैंदी, सिर्फ तीला ही चूसदे ने। और असीं तीला चूस रहे ने, एहो जा गरीबां दा बच्चा परे हुंदा, ओए अद्धा तूं चूस ले, अद्धा मैनूं चूस ले। सख्त 20 रुपए की कुल्फी होंगी, टुटती ही नहीं, अखीर थले रख के उत्ते ताला मार दे टम। अद्धी पेटी थले बढ़ जाती, अद्धी बच्चे दे से आती। सरदार साहब, ये जो लोग तेज गाड़ियां भगाते हैं जी भैया, जो मौत के साथ खेलते हैं जी, जो अपने घर वाले, अपने बुजुर्गों, जिन लोगों को उन पे मान है, उम्मीद है, उनके खिलाफ चलते हैं जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं किसी के बारे की कहना, मैं तो अपने बारे दसांगा। हमेशा मोटरवे ते ओवर स्पीड ते चलान हुंदा है जी जी। मैं इन्नी स्लो गड्डी चलाना, मेरा स्लो गड्डी चलाने दा चलान होए। मैं ते मोटरवे ते चढ़ा ते मोटरवे दी पुलिस हरकत च आ जांदी। अच्छा, आ गया भी टल्ला। कई बारी मोटरवे पुलिस ने मेरी गड्डी दी डिग्गी नूं पैर ला के कहा
120 दी इजाजत ही इत्थे तक जाया कर। ओ जेड़ी तुहाडे को गड्डी है ओदे च ते 120 तक नंबर है नहीं। स्पीड कित्थों आउणी है मां? मैं तुहाडा मीटर वेख्या गड्डी दा, 30 ते मुक जांदा। और बाहर गड्डी है जेड़ी स्टार करके ना गेयर ला के नाल नाल टुरे जा रहे हुंदे ने। और इन्हां दी गड्डी जोर बड़ी खसूसियत ने, बहुत ही तेज चलने ते गड्डी नूं चक्कर आउण लग। इमरान भाई वाकई तुसीं वेखो ना था सारिआं दा अल्लाह दी रब ना मेरी गड्डी है ना 8 गड्डियां मलाई है ते मेरी एक गड्डी बनदी है। ओके जी भाई, स्टीयरिंग किसे कंपनी दा, सीटां किसे कंपनी दा, यानी किन्नी क पुरानी गड्डी होएगी इमरान भाई, किन्नी क पुरानी के बोतलों वाली चाबी ना भी खोल ले। नहीं आए। ये वो शख्स है जिसके पीछे पीछे इमरान अशरफ जैसे पता नहीं कितने लोग चलते हैं, जिसको देखते मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको। मैं एक दफा अमेरिका गया, मेरी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक मैक्सिकन फैमिली के साथ जरा दोस्ती हो गई, गपशप शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं अदाकार बनने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मुझे अपने मुल्क का काम दिखाना शुरू किया, अब उधर के बड़े बड़े खतरनाक एक्टर, फुल। मैंने 3-4 क्लिप देखे, अब पाकिस्तानी तो है ना इमरान अशरफ, जब मुल्क का नाम आता है तो जरा खलबली सी मच जाती है। मैं कहा यार मेरे गए एवं हड्डियां वड्डिया वड्डिया डींगा मार रहे ने। मैं कहा इफ यू अलाउ मी कैन आई शो यू एक्टर ऑफ माई कंट्री द बेस्ट वन द प्रो वन, प्लीज प्लीज शो मी। मैंने इस शख्स का क्लिप चलाया, मैं कहा लुक एट हिम, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, यू वांट मी टू ट्रांसलेट व्हाट ही इज सेइंग, एक्चुअली यू वांट मी टू ट्रांसलेट। उन्होंने मुझे अंग्रेजी में पता क्या कहा, उन्होंने कहा नो 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 नो, इस शख्स के तासुरात सब बोल रहे हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है। जैसे इलाकों के नाजिम होते हैं, साडे वर्गी अदाकारा का नाजम है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैरेक्टर एक्टर जो हीरो से भी आगे है, जिसे हम सीखते हैं, जिससे सब सीखते हैं, और जिनके लिए मैंने मोनोलॉग किया आज कि आप अदाकार बनना चाहते हैं तो प्लीज 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 सलीम मिराज से सीखिए। सलीम मिराज के बारे में ये कहूंगा कि ये अपने काम के शहजादा सलीम हैं, आया और अल्लाह ने इन्हें फन की मिराज पे बिठा दिया। सलीम साहब, सर आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी खुशी है आपके आने की। आपको जब भी स्क्रीन पे देखते हैं, जहां भी देखते हैं, खुशी तो होती है, प्राउड भी फील होता है कि साडा लीडर जिंदाबाद जिंदाबाद सलीम मिराज साहब। ये वो वाले शागिर्द हैं जो पीरों के उस्ताद हो जाते हैं। क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन सा सबसे पसंदीदा रोल है इस वक्त जो आप कर रहे हैं? आपकी आंखों में चमक तो है, वो किस रोल की है? आपको पता है भाईजान के मैं रोल वही साइन करता हूँ जो मेरे दिल को लगता है। अब जेब भी दिल के पास ही होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो मेरे दिल को लगता है, फिर मेरे लिए मैटर नहीं करता कि
एक्स वाई जेड कौन डायरेक्टर है या किसने लिखा है स्क्रिप्ट या वो किरदार मुझे समझ आ जाए, तो फिर अगर वो कामयाब ना भी हो तो मैं लोगों की बातें सुनने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आप में मुतमईन होता हूँ कि हाँ मैं ये ड्रामा या मैं ये फिल्म साइन कर लूँ, मैं मुतमईन हूँ तो मैं कर लेता हूँ। अरे वाह 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 वाह। और इसमें इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कोई भी काम जब तक आप तजुर्बा नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि सही था या गलत था, तो ज़्यादातर फैसले गलत भी हो जाते हैं, चंद एक सही भी हो जाते हैं। वो पहले था कि शायद अब भी है कि एक करेक्टर बंदे का हिट हो गया तो फिर वो छाप लग जाती थी, उसी तरह के करेक्टर उसको मिला करते थे। मौला जट च एक बंदा थानेदार बने हैं, उन्हें वर्दी अपनी सुहा ली सी हर फिल्म च थानेदार। अभी भी यही है, अभी भी ऐसा। यार ये बड़ा अलमी है जिवें कि महबूब आलम साहब साढ़े पाकिस्तान के बहुत सुपरस्टार सन, लोगों ने फिर वारस तो बाद उन्होंने उस दूसरे रूप च वेखना पसंद ही नहीं किया, हशमत ही रहे। यदि दुआ करा करो कि अल्लाह इतना हिट ना कर दे, इतना ज्यादा उस जगह तेने लै जाए कि उस तो बाद लोग तुम उस करैक्टर तो अलावा वेखना ही ना चाहते। बिल्कुल ऐसे जिवें हीर बनी फरदौस बेगम, और उस तो बाद हीर अच्छी नहीं लगी, रांझा बनाया। बिल्कुल के दो और चार पांच करैक्टर बिल्कुल ऐसा ही है। यही इमरान भाई की एक बात अभी भी याद है, जब रांझा रांझा हिट हुआ इनका, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने यही कहा था कि मुझे भोले की छाप हटानी है, फिर मूसा आ गया उसके बाद। क्या बात, नहीं नहीं मूसा से पहले इनकार आया था इनका, इन्होंने बिल्कुल हटाई थी छाप। क्या बात, इन्होंने बिल्कुल हटाई थी। अरे वो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन तब मैं थोड़ा सा बेवकूफ था जब मैंने ये बात की, मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि मेरे जुमले में ना एक अजीबोगरीब बात थी जो मैंने इनसे कही। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने ये छाप हटानी है, बेवकूफ था ना, पता ही नहीं था कि छाप तो उसने हटानी है। जब मुझे पता चला तो छाप छुप हो गई, जैसा हटाने वाला वो होता है। तो करेक्टर एक्टर्स की एक लीग थी जिनके पैसे भी कम थे, जिनकी इंपॉर्टेंस भी जरा कम थी। अब तो लड़के हीरो से ज्यादा पैसे लेते हैं जनाब। इसलिए मैं मेरी एक रिक्वेस्ट आपको, जिन्हें कोट पाए ना 8-9 सवाल और जी जी जी, आपको हीरो का मौका मिले भी ना तो आपने हीरो नहीं बनना, सारिया मौजा तो विलन नहीं होंगी, जो मर्जी चाहे हीरो की बांह फल। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹਰ ਐਕਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਨ ਜਬ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਨ 1900 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ। मेरी एक ही मोहब्बत है, मेरी बीवी, बस। सर वो तो ठीक है, बड़ा अच्छा बयान है, दुनिया के हर शौहर को यही कहना चाहिए। अच्छा नहीं, भाभी तो हमारी है, हमारी बहन भी है, बेटी भी है, कभी इस तरह होया कि तुहाडी कोई फिल्म वेखी ने एज विलन, तुहाडा उन्होंने बहुत भैड़ा काम लगा हो, तुसीं घर लेट आए हो तो बैल दिती हो तो उन्होंने कहा नहीं आप बहुत बुरे आदमी, मैं दरवाजा नहीं खोला। नहीं सर, वो मेरे ड्रामे फिल्मा नहीं वेख दी, लेकिन वो शो ज़रूर देखती हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। अच्छा चले, हम सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, बदल लेते हैं। आपसे जिंदगी में पहली दफा मोहब्बत का इकरार कब किया, जिसने भी किया, किस सन में के सलीम आई लाइक मैं सलीम, सलीम मैं सलीम तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा रुके ना, बताइए कि पहली मोहब्बत कब हुई? ये जब बंदे मोहब्बत हो भी जावे ना, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा सोचे कि आज मैं क्या ही देना, आई लव यू, फिर शीशा वेख के कहंदे यार रह नहीं दे। यस यस, हमारा हाल तो इतना माड़ा था, इतना स्ट्रगलिंग टाइम ऐसा था जवानी में, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो यंग एज होती है ना 20-25 वाली, वो स्ट्रगल की एज होती है। बिल्कुल, तो स्ट्रगलर से किसी को मोहब्बत कहाँ होती है? आए आए आए, तो मैं देखता हूँ करीब करीब में, यार ये एक खूबसूरत अदाकारा थी या फलां थी, इसको मोहब्बत भी हुई है तो किसी अमीर आदमी से हुई है, किसी बड़े आदमी से हुई है, किसी माड़े से मुझे नजर नहीं आती। हो सकता है वो लड़की जिसने आपसे मोहब्बत का इजहार करना हो
आज वो आपको सुपरस्टार देख के कह तो रही होगी व्हाट अ वेस्ट। नहीं अब वैसे वो दौर ही ऐसा, बंदा स्ट्रगल करे कि मोहब्बत करे। हाँ जी बिल्कुल, उधर मैसेज आते हैं 8 साल पुराने, 6 साल पहले आपसे मिली फलां था ये था। तब तो आप क्या जवाब देते हैं? अब मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहां मौजूद है पाकिस्तान की शान। वो स्क्रीन पे आता है तो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ कोई भी कहीं नहीं जाता है, तो आप भी मत जाइएगा। सलीम मेराज यहां मौजूद है, देखते रहिए मजाकरात। वेलकम बैक टू मजाकरात। ये जो आपकी फिल्म आ रही है उसका नाम 13 है या 13 है? हमारे लिए 13 है और बाज लोगों के लिए 13 है। अच्छा, क्या चक्कर क्या है? ये 13 एक्टर्स हैं उसमें या 13 लाख पेमेंट ली है ना कोई? की चक्कर है? हाँ, इसमें 13 का हिंसा को बड़ा अहम है। ना कोई 13 ना कोई मेरा। माशाल्लाह इन्होंने कोट नु बटन भी 13 ही लुवाए मैं लग रहा है। पाजी इन्ने बटन कोट है कि डेक के? सलीम साहब बताइए, मर्डर मिस्ट्री है, टीपू भाई उसमें कर रहे हैं लीड कैरेक्टर, अरे जो कि 13 मर्डर करने, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ट्रेलर में भी कहानी रिवील की हुई है, उसे 13 मर्डर करने और मैंने उसको रोकना है। सलीम भाई आपने थिएटर भी बहुत किया। यस सर। तो आप ये समझते हैं कि आपको ये जो इस वक्त निखार है परफॉर्मेंसेस में आपकी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, तो आपको थिएटर ने बड़ा सपोर्ट किया? सर थिएटर आपको अनफोल्ड कर देता है, आपका आपका किरदार बना देता है, आपको मुझे लगता है जादूगरी सिखा देता है। यानी पंजाबी जी जिन्होंने कहते चाका खुल जाता है। यस सर, वो जो कहते हैं ना, आदमी 1000 आदमी बैठा हुआ है और आपने उनको अदाकारी नहीं करनी, उनको मैनेज भी करना है आपने। सरदार साहब ते इन्नी एक्टिंग च खुबे ने का टीवी ते ड्रामा वेखण दे विच वक्फा होया ते उठ के बोतलां वेचण लग पए। एक दौर था कि एक्टर थिएटर से होके ही एक्टर बनता था, लेकिन आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया से भी वायरल होके एक्टिंग में लोग आए, आपने उनके साथ भी काम किया है और न्यू जनरेशन जो सोशल मीडिया से आई है उनके साथ क्या फ़र्क लग रहा है आपको? मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन सोशल मीडिया मशहूर होने की सनत है। मतलब आप मशहूर हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग मशहूर होते हैं मैं उनको एडमायर करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ उनको, लेकिन अदाकारी से उसका जरा डिस्टेंस लर्न करना चाहिए। और ये भी हो सकता है जैसे वो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, हो सकता है मैं या इमरान या हम लोग नहीं कर सकते। नाले मशहूर होना केड़ी औखी गल है, अपने आप नु अग ला लो मशहूर हो जाओ। ए मशहूर होण लगे सन। अच्छा, इन्हां दे हमसाए ने पानी वाली बाल्टी सुट। ज़ुल्म 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 मत करो, ज़ुल्म मत करो, ज़ुल्म मत करो, ज़ुल्म मत करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए आइए, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका सर जी। सर मुझे भी फिल्म में चांस मिलेगा सर जी? मैंने फिल्म में काम किया सर जी, मैं अपनी ब्याह दी फिल्म के बच्चे आया सर जी। उस फिल्म जो 2 गाने पा के रिलीज कर दे। एहतियात ना कराया कर, पिछले ही तेरा मुंह डिग पिया। दैट्स ऑल, थोड़ा सा खेर था। सर आपके लिए एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। यस बेबी जस्ट कम ऑन। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए सलीम साहब। सर ये मैं मोहब्बत कभी नहीं भुला सकूंगा। मेरा ख्याल है फोन आया। सर ये मैंने लिखा है, मत जुल्म करो अपनी जिंदगियों पर, रात को देर तक जागना हमारा फैशन बन चुका है। ये मैंने लिखा है सर जी, पूरी रात हम जागते रहते हैं जबकि रात कुदरत ने आराम के लिए बनाई है। पूरी रात मोबाइल फोन देखना और दोपहर तक सोए रहना, ये रूटीन हमारी जिंदगियों को खा रही है। वाह वाह, कितनी बदकिस्मती है कि जब जानदार रिज्क की तलाश में निकलते हैं
उस वक्त नौजवान सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सर ये मैंने शेर लिखा है। शेर आप बोली जा रहे सुना नहीं रहे। ऐसा ही शेर है। नींद की डोरी बनी सपने परोने के लिए, दिन है मेहनत के लिए रात है सोने के लिए, बेवजह शब खेजियां करने से पहले सोच लो। शब खेजियां, वाह वाह। बेवजह शब खेजियां करने से पहले सोच लो, खुद वजह बन जाए ना ये रात रोने के लिए। आंसू बहाने से रात नहीं ढलनी, आंसू बहाने से रात नहीं ढलनी, बेबिया ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो आधी रात अवारगी में गुजारते हैं और आधी रात इंटरनेट पे गुजारते हैं। वक्त की रफ्तार को नहीं रोका जा सकता, नहीं हरगिज़ नहीं रोका जा सकता, बल्कि वक्त के साथ मिलना पड़ता है। ये बात आए आए आए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहतमंदी और तंदुरुस्ती की इलामत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भुलदा है उदो अपना मगज हिलांदा है। मैं बस सर यही कहना चाह रहा हूँ के रात को जल्दी सोया करे, मेहरबानी होगी सर, बड़ी मेहरबानी होगी। तू सारे ने सुवा के चोरियां कर दिया रात को। पर ये शेर लिखा है मैंने आखिरी, रिस्क जब ढूंढ रहा था तुझको बेखबर हो के तब तू सो रहा था। कितने लोगों ने बना ली किस्मत एन उस वक्त जब तू सो रहा था, हर मसले का है सिर्फ हल ये, आजा मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, मेक्सिको चलिए, आजा। नहीं जाना तो कल ही जाइए। ये 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 किन्हीं नसीहतें कर रहे हैं हम, जाके ने सोच रहे हैं। राव साहब मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कलिमा चाहिए। या खुदाया। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टैलेंट बम सलीम मेराज साहब, और देखते रहिए मज़ाकरात। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। अच्छा मैं कल्ला चाह पी जा रहे हैं। अरे इमरान साहब तुम इन्नी चाह पी रहे हो, लगता है तुम इको साइज ट्रक लेके ना पेशावर जाना है। अच्छा मेरा एक इमरान भाई और नसीम भाई, आप दोनों ने माशाल्लाह फिल्म्स भी की, ड्रामास भी किए। अच्छा मूवी की और ड्रामे की एक्टिंग में टेम्पो का फर्क होता है या सेम होती है? पूरे पाकिस्तान के एक्टर से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे फर्क होता है, लेकिन आप जिन दो लोगों से पूछ रहे हैं हमारे लिए कोई फर्क नहीं। मतलब होता है टेम्पो लाउड होती है टेलीविजन में। वो वाली जो फिल्म थी वो अब फॉर्मेट चेंज हो गया है, अब थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं। साउथ वाली फिल्में हैं उसमें लाउड एक्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पे तो रियलिस्टिक काम ज्यादा अच्छा होता है मुझे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले दौर में ना जिथे सुल्तान से बोलते थे ना मैं तेरी जेल तोड़ के नस जाना ही साहब, तो उस तरह जेलर बोल रहे तू मेरी जेल तोड़ के किमें जा सकना है। यस, और अगर लो बोला तो यार ठंडा है यार। हुण कोई इंज बोलना मैं तेरी जेल, और जेलर कहना चाबी फड़ यार कारण। अच्छा पहले ये टेम्पो हुआ करता था कि मौला जट नूरी नाथ, मतलब उनका टेम्पो ही कुछ और होता था कि क्या। दुश्मन मार दे। दिल खुश कर दिता जफी पा। ओए नूरी। तू ते सिर्फ जफी मंगी है,
और जे तू इमरान अशरफ दी जान भी मंगे ते जा हाजरे नूरी हाजरे सलीम राज शहजादा बब्बर शेर पहचान ते लिया होएगा मोतिया वालिया तुसी ओदन भी 200 रुपया दिता सी अज भी दियो बकवास बंद कर 200 200 200 आ अज 500 तो कट मैं नहीं लिया मैनू पता सी मेरे फिक्र है जेदी पेमेंट वजनी और तुसी अल्लाह दा शुक्र करो ने 500 मंगे ए ते नाल पुराने कपड़े भी मंगदा हुंदा ओए एड्डी गल कोई नहीं सुनिया बड़ा बड़ा ड्रामा बड़ी बड़ी फिल्म देखी है तेरी शहजादिया थैंक यू ओ दिल खुश कर दिताई तेरे अख देख के नूरी नु अपनी जवानी दी अख दादा नूरे दुश्मन दी जदो लत वड़दा है पहले उनु तेल मलदा है खुश रवो जिंदे रवो मेरे पाकिस्तान दियो बब्बर शेरो आ तुसी साडी याद लोकां दे दिलां च अज तक जिंदा रखी हुई है सलीम भाई सर कोई ऐसा एक्टर हमारी इंडस्ट्री का जो आपको ऐसा लगता है कि आप उसे ये कह देंगे भाई एक्टिंग छाड़ कोई जनरल स्टोर खोल रहा है तेरी मेहरबानी वो तो काफी स्टोर बन जाएंगे मॉल बन जाएगा अच्छा है आपको लगता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका ये काम नहीं है वो कर रहे हैं हाँ क्योंकि वो उनका टारगेट एक्टिंग नहीं है ना उनका टारगेट वो आपने मशहूर होना होता है आपने नज़र आना होता है तो उसका एक्टिंग से लेना देना नहीं है ना तो फिर और उनकी सेहत पे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो 20-20 साल से काम भी कर रहे हैं अच्छा कई लोग ऐसे फनकार हैं जो जेड़े फिर पहले फिर के सीनियर हो गए बहुत सारे लोग हमारे एक आर्टिस्ट पे बहुत बिजी माशाल्लाह बड़ा काम करते एक डायरेक्टर के वो सेट पर गए तो उसने कहा कि यार ये बंदा सुबह वो काम कर रहा था रात को ये कर रहा था दोपहर में ये करता है दिन में ये करता है ये सौंदा कदों है वो कहना जो डायरेक्टर कहना ना एक्शन सलीम साहब थिएटर पाकिस्तान में बड़ी महदूद सतह पे है पैरेलल सिनेमा की फिल्म्स तो समझे हैं ही नहीं ऐसे हालात तो सकनात में जनाब इतनी वर्सेटिलिटी दिखाना मुश्किल होती है मुश्किल अगर नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा हाय हाय पाकिस्तान का इतना बड़ा थिएटर एक्टर इतना बड़ा फिल्म एक्टर इतना बड़ा टीवी एक्टर मौजूद हो और हमारे डायरेक्टर सब ये ना चाहें कि स्पॉटलाइट में आके वो थिएटर परफॉर्मेंस दे ऐसा हो नहीं सकता लाइट्स शेरा माइक ला जाए पाकिस्तान का इतना बड़ा अदाकार आज यहां मौजूद है आपकी बहुत सारी तालियों में मैं दावत दूंगा सलीम मिराज साहब को प्लीज एक इंसान अपनी जिंदगी में एक ही जिंदगी जीता है लेकिन एक अदाकार अपनी जिंदगी में कई किरदार जीता है तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं अदाकार हूं और मुख्तलिफ किरदार निभाता हूं और मुझे जब पहली दफा
किसी को ये अप्रोच करने का मौका मिला कि भाई तू अदाकारी करेगा, भाई तू अदाकारी करेगा, नहीं मुझसे अदाकारी नहीं होगी भाई, मुझे पसीने आते हैं, मुझे डर लगता है, मैं कैसे अदाकारी करूँगा, मैं डायलॉग भूल जाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जब 300 लोग अंधेरे में बैठकर तुझे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो तू सांस भी लेगा ना, सांस तो वो भी रजिस्टर होगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तेरी अदाकारी में वो जान होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि लोग अपनी पलकें झपकना भूल जाएं। तालियां। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बॉम्ब एक्टर सलीम मिराज। देखते रहिए मजाकरात। वेलकम बैक टू मजाकरात। क्या बात ऑडियंस, आपके दिलों में, जहनों में कोई भी सवाल जो आप किसी से भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा जज्बा जो दिल में छुपा रखा है, आज मौका है आपके पास, कह सकते हैं। पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बाजी, माइक अपना ले अंदर से। नाम क्या है आपका? उम्मे फिजा। उम्मे फिजा, आप क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। किस क्लास में? ICS। ICS? जी। ओ, कंप्यूटर साइंस। सब ICU में होते हैं। क्या कहना चाहती है? सर से मेरा एक क्वेश्चन है। करें? सर आप ज्यादा नेगेटिव रोल क्यों करते हैं, क्यों आपको पॉजिटिव पसंद नहीं आते? नहीं नहीं, पसंद आते हैं, लेकिन नेगेटिव ज्यादा मिलते हैं तो नेगेटिव करता हूँ। लेकिन मजा मुझे नेगेटिव में ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना मोहसिन है। आमना मोहसिन, आप क्या करती है? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या बनना चाहती है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बन जाएगी आप इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस पुत्र, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए ना, तो ये सॉफ्टवेयर ठीक करना जरूर। ऐ तो पुराना मॉडल है, तो लभदा ही नहीं हूं। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं गाना सुनाना चाहती हूं। ओए, गाना सुनाना चाहती हैं आप? ओए होए 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 होए, क्या, कौन सा पाकिस्तानी गाना? बोल कफारा। बोल कफारा वहीं सुनाएंगी या यहाँ बैठ के सबके सामने सुनाएंगी? इधर आए। हाँ जी बेटा, छोटे जो कप च ना डिग पैना हो रहे हो जो जलेबी का कुप्पा हों। शाबाश बेटा, जीते रहो। आप मुझे भी तो जुकते नहीं लगाएंगी कहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी फैन हूँ। अच्छा। वो तो मैं तेनू खाब जो डरावना। सुनाइए। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, बोल कफारा कफारा, बोल ओ यारा ओ यारा, बोल कफारा क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप। मैं मुस्कुराती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए हर दफा। अरे वाह 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 वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। डिनर सेट तोड़ के कहती है अम्मी मैंने डिनर सेट तोड़ दिया। नाम बताइए अपना। महक। क्या कहना चाहिए? जी मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए,
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आप पुत्र कैंटा हो गया तेरे सामने ना। मेरे लिए स्पेशल है ना। क्या? आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। ओह माय सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी आपका एक करेक्टर था रेहान चौधरी का, आपने इनकार में किया था। इनकार वो मेरा सबसे फेवरेट है। और सबसे पहले तो एक चीज, आप इतने हैंडसम क्यों हैं? अरे सुन रहे हो, सुन भी रहे हैं और जल भी रहे हैं। नहीं नहीं, हम सुन भी रहे हैं और बताएंगे भी, स्मार्ट क्यों है पुत्र, इतना खाना खाना। और अल्लाह की कसम इन्होंने ना अपने गड्डी से तकड़ी रखी ओदे उते तोल के खांदे ने। सर माशाल्लाह के माशाल्लाह कहती है ना, हमें भी कहती है क्या? हैंड्स अप। सलीम सर के लिए भी क्वेश्चन है जी। कहिए कहिए। सर आपका एक रोल था काश मैं तेरी बेटी ना होती, उसमें नेगेटिव करेक्टर था आपका, वो बहुत इंटेंस था कि इस तरह मैं अब कह सकती हूँ कि नफरत होने लग गई थी वो देख के, आपने इतना अच्छा किया वो, तो क्या डिफ़िकल्टी आई आपको उस रोल को प्ले करने में? वो मैंने कोई 12 साल पहले किया था, तो उस वक्त मेरी एज यकीनन कम थी जी, और मैंने उसमें दादा का रोल प्ले किया जो, तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसके गेटअप की डिफ़िकल्टी थी, वो दाढ़ी और गेटअप और वो सारा जो था। और अब आपने इतने पुराने ड्रामे का नाम लेकर मुझे याद दिला दिया, तो आप वाकई बारीक भी नहीं से काम देखे। तेरी बेटी ना होती तेनू याद है। इमरान सर आपके लिए, आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, आज माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उनकी बात मानो, कह रही नजर उतार ली सखावत, फिर आले दुआले से बाहर निकल जाए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो सर। हाय हाय हेलो हाय। अच्छा तेनू ये तकलीफा ने? हाय हूँ ठीक हो गया ने, निरा हाय कहने हाय। अच्छा आइसक्रीम काफी देर पई रवे ना ते सारा तोड़ दे दो इन्हें बस। दत्ता जी अपना नाम बताइए। जैसिका। जैसिका वेलकम टू द शो। थैंक यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुश रहे। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? इजी फॉर यू टू मैनेज और नॉट? आप लोग ही अब मेरी पर्सनल लाइफ है। मैनेज लव्स कामयाबी के लिए नहीं होता, कामयाबी में मैनेज नहीं करते, शुक्रगुजारी करते। अरे और क्या मैं करता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप इतने प्यारे क्यों हैं सर? क्यों? क्योंकि आप इतनी ज्यादा प्यारी है इसलिए मैं प्यारा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक शेर है। कहें कहें। कि जो दो नूर है तू मेरी अखियां दा, तेरे तो यार किनारा हो सकता है, तू आप सियाना है सोचता सही, तेरे बाद गुजारा हो सकता है। सलीम साहब। यस सर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको देख के खुशी होती है, आपका काम देखें या आप कहीं भूले भटके रास्ते में भी नजर आ जाएं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ही होती है। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे लिए, दुनिया टीवी के लिए आए, दुनिया टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए दुआ है, खुदा करे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। इमरान की कदर और मेरे दिल में अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इमरान मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में करता है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब इतनी जबरदस्त महफिल हो, ऑन भी मौजूद हो, इतने सारे सुर हो और वो सुर इतनी खूबसूरत ऑडियंस की समातों तक ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है? ऑन साहब आइए।
हे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, हे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक हमने एक तुमने दम, हे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। हम चले तो जमी झूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोल तो चांद को छूले, दे सदा तो जहां झूमे। ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार, ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार, करे है जिंदा मुझे हर बार। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाएं।